गाइस घर में स्नैक्स करके हम अभी आ गए हैं। एक हमारे घर के पास ही एक प्ले एरिया खुला है, वहीं पे दोनों बच्चों को लेके आए हैं। सो दोनों बच्चों को हम यहाँ पे लेके आए हैं, 1 आवर ये लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन फिर हम घर जाके डिनर बनाएंगे। ये देखिए, ये है किड्स एंड किड्जिला इंडो प्ले जोन है। यहाँ पे इतने सारे ये हैं और ये है। सो गाइज यहाँ पे ये 250 रुपीज चार्ज करते हैं पर आवर पर किड। अकेले खुद चप्पल पहनो, चप्पल पहन, चप्पल पहनो। लीची का चप्पल इस तरफ है। चलो चिकन बन गया है। यहाँ मैंने दही सलाद के लिए कटिंग कर लिया है, इसमें बस दही डालना है। और ये रहा चावल गर्मा गर्म। सो ये दोनों खाना खा रहे हैं। देखिए सो ये देखिए फाइनली अव्यांश एंड लीची सो गए हैं, बहुत मस्ती किए। और दीदी सो रही है दूसरे वाले रूम में। सो अभी हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। 12:30 हो गया है। सो ये तीनों सो रहे हैं ऊपर और मैंने अपना गद्दा नीचे बिछा लिया, मैं यहाँ पे सोऊंगी। तीनों सोने के लिए बाय गुड। चलो अब जा रहे हो अव्यांश के घर, क्यों स्विमिंग करने है ना। चलो आ जाओ। जाओ गुड मॉर्निंग। सो अपने घर से नहा धो के ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए हैं दीदी के घर, क्योंकि आज छुट्टी है, मतलब आज सैटरडे एंड बच्चों को थोड़ा बहुत स्विमिंग करने का मन है, तो इसलिए हम आ गए दीदी की सोसाइटी। यहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत स्विमिंग करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या है। उसका दीदी लोग एक्चुअली जा रहे हैं सर्कस, तो सर्कस चले जाएंगे एंड फिर हम अपने घर चले जाएंगे। सो या और ब्रेकफास्ट में बना था साबूदाना, बहुत यम्मी था, अच्छा लगा। ओह चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों को जल्दी जाती हूँ रेडी करूँगी ताकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाऊँगी, वो फिर स्विमिंग के लिए जाएंगे। सो ये देखिए ये है साबूदाना, ये बना था ब्रेकफास्ट में एंड सो साबूदाना बना था, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पर आ रही हूँ। एंड ये है प्रियंका दी के लिए पार्सल साबूदाना खिचड़ी, उसको पसंद है तो इसलिए। अव्यांश कल मासी घर में अच्छा लगा सो के, मजा आया? हाँ अच्छा लगा। चलो स्विमिंग जाती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ सो दैट दे कैन एंजॉय स्विमिंग। सो ये कुल्फी दीदी बनाई है घर में एंड शिव इसको टेस्ट करें। शिव बताए कैसा है? बहुत अच्छा है। बाहर वाले कुल्फी को टक्कर दे रहा है।
है कुल्फी? बोलो अच्छा है। इसे करो चीज़, इसे करो लिची चीज़। हाँ ले ला। मैं आ गई हूँ प्रियंका। देखा प्रियंका दी, तुम्हारे लिए साबूदाना खिचड़ी ठीक है? जस्ट ब्रेकफास्ट। कोई बात नहीं, तुम इसको लंच में, नहीं तो फिर शाम को स्नैक्स में खा लेना ठीक है? यहाँ पे खा रहा है ब्रेड ऑमलेट, नाश्ता इसका आज यहीं पे है। और ये देखो चुंदर सा बच्चा है, चुंदर बेबी, मैं चुंदर चुंदर। चलो स्विमिंग के लिए रेडी, चलो। और ये रही अंशिका, अंशिका लेट्स गो बेबी, चलो स्विमिंग करने। वाव, ये मैंने ले लिया है फ्लोटिंग, मतलब ये हाथ में पहनने वाला है स्विमिंग पूल का। और इनको मैं ले जा रही हूँ, ये है अन्विका, उधर जा रही अंशिका। अव्यांश एंड शिविका एंड शिव ऑलरेडी स्विमिंग पूल में जा चुके हैं। रितेश नाश्ता करके आएगा पूल में, रितेश और दीदी। और मुझे तो करना नहीं है, वो करना में इतना टैनिंग हो गया कि मुझे हिम्मत ही नहीं है पूल में दोबारा जाने की। और वैसे मैंने सुबह नहा लिया तो मेरा मन भी नहीं उतना। बच्चों को एंजॉय करते हुए देख के मैं भी एंजॉय कर लूँगी। ये देखिए ये चारों तीनों बच्चे और शिव, यहाँ पे अनवु रेडी है। और ये नौकरानी नहीं, ये अनवु की मम्मी है, इसको आप नानी मत समझिएगा, ये अनवु की मम्मी है। और ये दीदी इंस्ट्रक्शन देते हुए। ब्रो स्विमर, हिम्मत देते हुए दीदी अंशिका को। और यहाँ पे देखिए ये है अव्यांश और ये बच्चे। और यहाँ मैं ऐसे मजे ले रही हूँ पूल का। अनवु जंप। अनवु जंप, अनवु जंप। किसको? अनवु ठीक है। चलो 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 घर चलो। और ये निकल गई है ठंडा 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 ठंडा। चल सो यहाँ अभ्यास रो रहा था क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आ रहा था। ओके चलो बाय गाइस, बाय अनवी। सो ले तू नहा, मतलब देखिए भैया तेरे को नहा दिया फर्स्ट तेरे लिए, सेकंड फाइस। हां फर्स्ट बना दिया मैं बच्चा। मामा मिस इट, यू टू वीक्स हाउ मेनी डेज? हलीची और अव्यांश दीदी जस्ट अभी नहाई है, फिर से दीदी नहा ली। अव्यांश नहा के आ चुका है, कैसा लगा अव्यांश? अच्छा अच्छा लगा। ये अभी ऐसे ताकि पूरा सूख जाए, गधे से खत्म नहीं हुआ अभी तक।
देखिए शिविका बिल्कुल रेडी हो गई नहा धो के, शिव भी रेडी हो गए हैं स्विमिंग पूल से। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो ये देखिए यहाँ पे शिविका सो रही है, शिव सो रहा है। सो गाइस आपने देखा भी शिवन शिविका दोनों सो रहे हैं। स्विमिंग के बाद बहुत ज़्यादा यू नो टाइर्डनेस हो जाता है तो फिर नींद आ ही जाता है। और दीदी, दोनों दीदी एंड तीन बच्चे लाइक अव्यांश, अंशिका एंड अन्विका, तीनों पांचों गए हैं सर्कस। घर में अभी भी मैं बड़ी दी के घर में हूँ। रितेश बना रहा है मेरे लिए बर्गर, मेरे और शिव के लिए। एंड फिर लोग सो के उठेंगे, दिन हम देखेंगे कि कुछ लंच करना है या फिर बर्गर से काम चल जाएगा। सो आज रितेश के हाथ होममेड बर्गर मुझे खाने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अकेली हूँ दीदी घर में, बच्चे सो रहे हैं, पति सो रहा है, मैं हम भाई बहन मिलकर चिल करेंगे। चिल हो रहा है, चिल। सो गाइस दीदी ने कल कुल्फी बनाया था बहुत मेहनत से, मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने कितना सारा कुल्फी बनाया है। ये मैंने अभी एक्चुअली एक ग्लास पानी रखा है क्योंकि मुझे ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए एक्चुअली आने वाली है मम्मी, एंड मम्मी को बहुत पसंद है कुल्फी, सो इसलिए दीदी ने बना दिया है। ये एक्चुअली बच्चों के लिए विदाउट ड्राई फ्रूट्स, एंड ये हमारे लिए बड़ों के लिए विथ ड्राई फ्रूट्स। सो बहुत मेहनत से दीदी ने बनाया है ये कुल्फी, मतलब बहुत टाइम लगा उनको। कुल्फी बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है एंड इतना सारा तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, प्लस ड्राई फ्रूट्स से सभी काटना होता है, तो फिर बहुत मेहनत किया दीदी ने। एंड उनका मेहनत रंग लाया क्योंकि कुल्फी वाकई बहुत टेस्टी बना है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, प्रॉपरली खाऊंगी लंच के बाद। सो अब भूख लग गया, अब मेरा भाई बना रहा है मेरे लिए बर्गर। बर्गर का पैटी है और यहाँ पे कौन सा सॉस है? अच्छा खाना बनाता है लड़का, बहुत अच्छा खाना बनाता है, वेज नॉन वेज सब कुछ। सो अच्छे से वो बन जाए फिर मैं खाऊंगी और आपको बताऊंगी कैसा बना है। तो ये देखिए आ गया है मेरा बर्गर, मेरे भाई ने बनाया, एंड ये है पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज केचप। कितना मज़ेदार दिख रहा है बर्गर देखिए। और बिरयानी भी था तो मैंने थोड़ा सा बिरयानी ले लिया, बहुत तेज़ भूख लग चुकी है मुझे। अब मैं फटाफट से खाती हूँ एंड अपने पेट की भूख को शांत करती हूँ। बहुत यम है बर्गर, मैगी जैसा। फटाफट ये बर्गर मैं ख़त्म करती हूँ। ये रितेश का प्लेट है और ये मेरा प्लेट, एंड ये सर खा रहे हैं पीडिया। अव्यान सर्कस कैसा था? अच्छा लगता था। अच्छा लगा सर्कस? अच्छा ठीक है। सबसे अच्छा क्या लगा? सर्कस। पूरा सर्कस। दीदी कैसा था सर्कस? बहुत अच्छा था, एक एक शो का देखने लायक था। बहुत सारे उसमें ये थे प्रेजेंटेशन हर फील्ड से, लेकिन हर फील्ड देखने लायक था। बहुत मतलब एंगेजिंग था पूरे टू आवर्स। पूरा टाइम एंगेजिंग।
आंखें हटा ही नहीं सकते वहां से। ओके जल्दी पहनो वरना मैं नहीं पहनूंगा। पहनूं अवेंस हो गया यहाँ देखिए अंशिका खेल रही है, यहाँ पे लिच्ची स्विंग कर रही है और अन्वी एंड अवेंस घर में और यहाँ में शाम हो गया। बहुत अच्छा मौसम शिव स्लो स्लो शिव शिव स्लो शॉपिंग करके आप फिर पार्क में आ जाएंगे। लेकिन नहीं जाता बदमाश अभियान नहीं तो बदमाश हावी। अलेक्सा प्ले हिंदी भजन सुनना है उन्होंने के ग्रुप का लंच सॉरी डिनर चल रहा है यहाँ पे मछली के लालच झोर भात दाल ग्रेवी नहीं झोर भात ये रहे दोनों नहीं पे सोना ठीक है बाहर नहीं आना तुम दोनों गुड गर्ल्स हो। देखिए दीदी बना रही सबके लिए डिनर डिनर में बन रहा है पराठा और पनीर का सब्जी बना है नॉनवेज खाते उनके लिए है ये मछली और यहाँ पे बन रहा है पराठा। ओह वाह क्या ये बॉडी है बहुत अच्छा बॉडी है तुम भी दिखाओ अपना बॉडी ये तुम्हारा बॉडी है वाह पूरा सिक्स पैक निकल गया है लीची का तुम्हारा कितना पैक है चुप बहुत गंदा गाना गाई है दोबारा मत गाना गाना समझी फुट्टू गानी दोबारा गाना मत गाना गंदा गंदा कौवा जैसा गाती है गाई बेबी पिंगा 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 का पोरी पिंगा का चल चल दीदी चल। सो गाइज़ ये देखिए दीदी ने जो कुल्फी बनाया था मुझे एंड प्रियंका दी एंड अपने पड़ोसों के सब में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो ये रहा कुल्फी सो 10 ये बड़े कुल्फी जो कि ड्राई फ्रूट्स वाले हैं एंड ये जो कुल्फी ने बच्चों के लिए विदाउट ड्राई फ्रूट्स वाले सो इतना कुल्फी दी ने हमें दिया है। देखिए उस दिन अव्यांश जब लीची शाम रात को वापस आ रही थी ना उसने ये बैग अपना उसको दे दिया एंड इसके अंदर एक खिलौना था एक पाउच भी उसने दिया। सो देखिए ये पाउच इसमें है इसमें देखिए पेंसिल रबर स्केल्स कटर है और ये बैग है देखिए इसमें लिखा हुआ भी अव्यांश उसने अपना बैग दिया पाउच दिया ये खिलौना दिया है अव्यांश ने शिविका को ये उसका फेवरेट था बट वो इतना खुश था कि उसने ये सब दे दिया सो स्वीट ऑफ हिम। और अभी भी लीची को बहुत मिस करता है बोलता है मासी कब आओगी सोने